इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में, सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का मामला, रघुनाथ मंदिर, ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे। महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है, कौन है सांप्रदायिक, कौन सांप्रदायिक है। और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है।